हेलो फ्रेंड्स, सिविल डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये रिंग आपने देखी होगी, इस रिंग को ट्रायंगल रिंग कहते हैं अपना इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। लेकिन हमारे जो साइट में जो होते हैं, तो साइट में जो हमारे फिटर लोग होते हैं, तो वो हमारे भाई लोग इनको समोसा रिंग ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं। ठीक है, तो इस रिंग का हम फॉर्मूले के साथ में इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले। तो इसका सबसे पहला फार्मूला क्या है, उसके बाद वो फार्मूले के लगा के उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालना है, फिर वही कटिंग लेंथ का जो अपना आता है उसके हिसाब से हम साइट पे जाके बेंडिंग मशीन में इस रिंग को बना के आपको दिखाने वाले हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा आज आपको ये लास्ट है। ये इस मान ले इसका कटिंग लेंथ आप निकालने वाले हो, तो ये वीडियो का आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैं एकदम प्रैक्टिकली डेमो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं इसका साइज लेके। पहले तो ये हमारे साइज में प्रैक्टिकली है, हमारे पास में साइट में लगता है, तो ये साइट में लगती है, तो इसका जो कटिंग लेंथ है वो हमें परफेक्टली लिखना है। तो सबसे पहले हमें इस साइज को मापना होगा कि इसका साइज क्या है। ये देखिएगा, ये 220 है, यहाँ लिख देते हैं हम इसका साइज 220। उसके बाद में ये दोनों साइज 190 का रिंग, ये देखिएगा 190, और इसका भी साइज 190 है, क्योंकि ये दोनों साइज ट्रायंगल रिंग का कभी भी दोनों साइज सेम होता है, ये साइज चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 190, यहाँ लिख देते हैं 190। अभी इसका जो हुक है, ये हुक हमारा ये है 10D के हिसाब से हुक है, ये हुक है हमारा उस साइट में 10D के हिसाब से है। डी यानी जो डाया होता है, जो रिंग का डाया होता है स्टिरअप्स का, वो है 10D। 10D यानी ये हमारे पास में रिंग कितने का है, ये हमारा है 8mm का डाया का रिंग। ठीक है, तो हमारा 8 × 10 कितना होता है, 80mm, यानी ये जो हमारा हुक है वो 80mm है। ठीक है, माप के देखेंगे यहाँ पर मेजरमेंट, ये देखिए 80mm है, और इस तरफ में भी देखिएगा 80mm है। ये हम साइट में प्रैक्टिकली, सबसे पहले ये जो साइट में लगता है इसी कारण हम आपको प्रैक्टिकली डेमो दिखाने वाले हैं, और हम साइट में यूज़ करते हैं इसके लिए। अभी ये हम साइज आपके सामने लिए हुए हैं, तो ये अभी यहाँ जो फार्मूला है, तो फार्मूला क्या है वो देखते हैं। अभी देखिए फार्मूला क्या कहता है, तो फार्मूला जो है ये सो हमें 3A कहता है, 3A, 3A यानी तीन बाजू, 1, 2, 3। तो इसको यहाँ इसने लिखाया गया है कि ए ए। अभी हम क्या करते हैं, 3A फार्मूला आपको सिर्फ पहले दिखा के देते हैं, 3A प्लस 20D, 20D यानी ये हुक का है, जो दोनों हुक नहीं कहते, 10D 10D यानी दो हुक, माइनस 2D, ये बेंड डिडक्शन है, बेंड डिडक्शन। तो बेंड डिडक्शन है, अभी सबसे पहले ये फॉर्मूले पूरे क्लियर करते हैं। अभी हमें यूज इजी होने के लिए हमें क्या करते हैं, जो 3A के सबसे पहले बाजू की क्लियर करते हैं। अभी बाजू क्या है, यहाँ पर 3A की बाजू जो है, अभी यहाँ हमें इसको क्या करते हैं, हम साइड ये पिन ये BBS को अभी ए इसको नाम देते हैं, इसको ए नाम देते हैं, इसका भी ए देना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये फॉर्मूले के साथ में आपको यूज करके दिखाना होगा। ठीक है, तो ये तीनों का ए बाजू है, देखिए 1, 2, 3, ये तीनों बाजू 3A बोला है उसने, बराबर ना। तो अभी हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, चाहे तो हम तीनों बाजू की ब्रैकेट में लिखते हैं। सबसे पहला क्या है, 190 प्लस 220, सॉरी 220, उसके बाद 190। ठीक है, ये देखिएगा ये साइज है आपका 190, 220, 190, ये भी देखिएगा 190, 220, 190, ये तीनों बाजू आपका हो गया 1, 2, 3। 3A का बाजू यहाँ लिख दिया, अभी यहाँ प्लस की जगह प्लस करने वाला है, ये जो प्लस है हमारा, तो प्लस की जगह हम यहाँ प्लस करते हैं। ठीक है, ये बाद में कैलकुलेशन करेंगे धीरे धीरे, अभी सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। क्या है ये, 20D, 20D यानी क्या है, ये हमारा हुक है, हुक है बराबर। तो हुक क्या, 20D यानी ये 10D पकड़ा हुआ है, ये 10D पकड़ा हुआ है, तो हमारा 10D 10D 20D हो गया,
20 डी का हमारा डाया के हिसाब से गुना 8 का डाया है, तो 20 गुना 8 ऐसा रखते हैं। ये हमारा डाया है, क्या है, डाया, रिंग डाया, स्टिरप्स, ठीक है, इतना करके छोड़ देते। उसके बाद में हमें माइनस की जगह माइनस लाना है। उसके बाद यहाँ पर अभी दिया है 2D बेंड डिडक्शन जो है, अभी दो क्या है, दो वैल्यू है, दो बार करना है, इसको गुना कर रखना है, और इसको डी यानी हमारा स्टिरप्स का डाया, स्टिरप्स का डाया क्या है, 8 mm जो हम यहाँ पर छोड़ा है, जो 8 mm ये रिंग है, जो 8 mm की रिंग है, ठीक है, तो इसके लिए वो हमारा 8। अभी इसका हम फॉर्मूला की पूरा क्लियर करते हैं। अभी सबसे पहला क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन क्या आएगा, देखिएगा, 190 प्लस 220 प्लस 190 पूरा कैलकुलेशन आएगा 600। ये आया हमारा 600 कैलकुलेशन, बराबर है। फिर यह हमारा प्लस की जगह प्लस करते हैं, उसके बाद ये दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन कितना है, देखिएगा, 20 गुना 8 हमारा 160 आया। तो ये हमारा जो कैलकुलेशन है वो 160 mm आया, ठीक है, ये इसका। अभी फिर माइनस की जगह माइनस आते हैं, तो ये दोनों का कैलकुलेशन करते हैं पहले, अभी इसका, तो ये दो ये सीधा है, 2 गुना 8 यानी 8 × 2 = 16, बराबर। अभी यहाँ पर आते हैं नीचे, नीचे वो क्या है, अभी इसके पहले ये दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। अभी कितना आएगा, 600 प्लस 160 यानी 760, ये कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा 760, बराबर। फिर यहाँ माइनस की जगह माइनस आते हैं, अभी ऊपर का जो वैल्यू था वही नीचे लेते हैं, बराबर। अभी रह गया ये दोनों का कैलकुलेशन करने का, बराबर। तो अभी ये कितना है, 760 माइनस 16, बराबर ना, तो हमारा आएगा 744 mm कटिंग लेंथ, बराबर। हमारा 744 का हमारा कटिंग लेंथ है, और इसके हिसाब से हमें साइड पे जाके अभी बार को चेक करके हमें इस जो ट्रायंगल रिंग है इसको बेंडिंग करके दिखाएंगे आपको। तो चलो हम साइड पे जाते हैं, हमारा जो कटिंग है वो कितना है, 744, अभी ये साइड पे देख रहे हैं, बेंडिंग मशीन में आए हैं, अभी ये पहले मारा हुआ है उन्होंने बेंडिंग मशीन वर्क में, ये बेंडिंग मशीन में अभी देखिए इनका कटिंग है, वो पूरा चेक कर लेंगे अपन। एक फेस पे लगाइए, वहाँ से एक फेस के जीते यहाँ पर एक फिक्स, हाँ फिक्स करने के बाद में यहाँ पर कटिंग मापेंगे इसका, अपना 744 आना चाहिए, कितना आ रहा है हमारा, 744 है, और कम ज़्यादा 5 mm टॉलरेंस रहता है हमारा। अभी यहाँ चेक करके बनाते हैं, ठीक है, चालू कर रहे हैं, मारू क्या, मारिए, एक साथ में 8 रिंग है यहाँ पर, अभी 8 का है, 1, 2, 3 ये 3 काट को ना बेंड करके कितना है, 190 बराबर, और इसका हुक, हुक 80 है, 80 हुक है बराबर, उसके बाद ये वाला हुक भी उतना ही है 80, अभी इसको बेंड करेगा एक एक करके, ये रिंग अभी बना है, इसका साइज अपन पूरा चेक करेंगे, जो हमारे पास था
इसका बेस हमारा 220 था बराबर, इसका साइज था 190, ये साइड का भी 190 था बराबर बना है। इसका हुक 80 और 80 बराबर, एक दिन में कितना बनाता है बेंडिंग मशीन में एरिंग कितना बनाता है एक दिन में? एक दिन में 1200, 8 घंटे में 1200 रिंग बनाएगा। अच्छा ओके, एरिंग बेंडिंग मशीन में जब बनाते हैं हाथ से तो इसको 1200 नंबर से बना सकता है एक दिन में। ओके थैंक यू सो मच। कटिंग लाइन के साथ में आप देख सकते हैं परफेक्ट रिंग बना हुआ है। पूरे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं 8 रिंग के लिए कितना टाइमिंग लगा रहा है। यह हमारा 8वां रिंग है लास्ट, आप टाइम काउंटिंग करके चेक कर सकते हैं 8 रिंग बनाने में कितना टाइम लगा। अरे जो 135 डिग्री का लास्ट हुक है ये बाद में बेंडिंग कर सकता है या जगह पे अभी 32 का 12 होगा तो उसके लिए तकलीफ होगा, इसके लिए ये इतना ही होगा बेंडिंग मशीन में। अब इसको अंदर बेंडिंग करना है तो वो जगह पर बांधने के बाद इसको 135 डिग्री करेगा अंदर करेगा। थैंक यू सो मच।